उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन है और अब से कुछ ही देर में यानी कि सुबह 10 बजे परीक्षा शुरू हो जाएगी। 9:30 बजे एंट्री गेट बंद हो जाएगा। 60,244 पदों की भर्ती के लिए यूपी के 67 जिलों में 1176 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुबह 10 से 12 और दूसरी पाली दोपहर 3 से 5 बजे तक इसमें परीक्षा होनी है। 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी बैठ रहे परीक्षार्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। कल यानी कि पहले दिन 8,19,600 छात्रों को परीक्षा देनी थी, लेकिन 1,71,665 छात्रों ने परीक्षा या तो छोड़ दी या छूट गई और संख्या लगभग 21% के आसपास बैठती है जिन्होंने परीक्षा नहीं दी। पहले दिन 61 संदिग्ध अभ्यर्थी मिले, इनके या तो कागजात गड़बड़ थे या फिर वेरिफिकेशन में समस्या की वजह से परीक्षा से इन्हें बाहर कर दिया गया। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 पहले दिन का लेखा जोखा आपके सामने। कुल एडमिट कार्ड कितने? 8,19,000 और हर जगह की तस्वीर लखनऊ से लेकर झांसी मुरादाबाद गाजियाबाद आगरा मेरठ गोरखपुर अयोध्या प्रयागराज मथुरा बरेली नोएडा सब जगह। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजधानी लखनऊ से संतोष शर्मा जुड़ चुके हैं और कानपुर से सिमर चावला हमारे सहयोगी। संतोष, कल की परीक्षा हो गई, कुछ बड़ी बातें उसमें थी और आज फिर से दूसरे दिन परीक्षा अभी शुरू होने जा रही है, तो क्या तैयारी है? चुनौतियां शासन प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस के सामने बड़ी हैं। देखिए, बिल्कुल पहले दिन की परीक्षा पूरी हो चुकी है और दूसरे दिन की परीक्षा सिर्फ आधा घंटा बाकी है, लेकिन जो परीक्षा केंद्र में पहुंचने का समय है वो लगभग खत्म होता जा रहा है। और आपको देखें कि ये जो है जो टाइमिंग है, देखिए किस तरीके से पुलिस अनाउंस करके बता रही है कि 9:30 बजे के बाद, चूंकि 10 बजे परीक्षा शुरू हो जाएगी और आधा घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा, तो पुलिस अनाउंस करके भी बता रही है कि आधा घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा, जल्दी से आप लोग परीक्षा केंद्र पर पहुंचिए। रही बात पहले दिन के परीक्षा की, तो पहले दिन की परीक्षा में सबसे बड़ी बात कि लगभग 20% छात्र ऐसे थे जिन्होंने परीक्षा एडमिट कार्ड लेने के बाद परीक्षा नहीं दी और करीब 32% छात्र ऐसे थे जो कि एडमिट उन्होंने प्रवेश फॉर्म भरा था, यानी कि उन्होंने पुलिस भर्ती का फॉर्म भरा था लेकिन परीक्षा नहीं दी। तो एक बड़ी संख्या में जब ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड किए गए उसके बाद परीक्षार्थी जब पहुंचना था तो वो नहीं पहुंचे, करीब 20% ऐसे परीक्षार्थी थे जो नहीं पहुंचे। बड़ी संख्या में करीब 8 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने एडमिट कार्ड तो डाउनलोड किए थे लेकिन पहुंचे 6 लाख के आसपास ही, तो एक संख्या ये कम होती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ इसके पीछे पुलिस प्रशासन के एक मुस्तैदी का भी नमूना है कि उत्तर प्रदेश में जो संदिग्ध परीक्षार्थी हैं, यानी कि संदिग्ध परीक्षार्थी का मतलब कि जिनके एडमिट कार्ड उनके पास है, आधार कार्ड में कुछ गड़बड़ी है, तो उनको परीक्षा दी गई लेकिन उनके जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन भर्ती बोर्ड करने के बाद। आप इस पर नजर बनाकर रखिएगा संतोष, आपका हम दोबारा रुख करेंगे और अपडेट आपसे जानने के लिए। सिमर चावला कानपुर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सिमर, आपके यहाँ क्या तैयारी है कानपुर में? और कल हमने देखा था तमाम चुनौतियां थी, किस तरह से अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं? थोड़ी देर बाकी है, बस परीक्षा शुरुआत होने जा रही है इसकी। आशुतोष, मैं आपको बता दूं, पहले दिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिस तरीके की तैयारी और किलेबंदी इस परीक्षा को लेकर करी उस पे अभिभावकों और सभी अभ्यर्थियों में एक संतुष्टि का, संतोष का एक भाव प्रकट हुआ। उनका कहना था कि सिक्योरिटी इतनी अच्छी थी कि हम उससे संतुष्ट हैं और हमें विश्वास है कि किस तरीके की चीटिंग या पेपर लेक जो है नहीं हो रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं 9:30 का वक्त हो गया है, यही आखिरी टाइम है जब जो स्टूडेंट्स हैं वो अंदर जा सकते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक सेंटर पर, पीछे अगर आप मेरे देखेंगे पुलिस का भारी बल है यहाँ पर, इंस्पेक्टर खुद मौके पर मौजूद है, यहाँ पर आके एडमिट कार्ड वगैरह चेक होते हैं। इसके बाद बाएं तरफ अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पर फ्रिस्किंग की फैसिलिटी है, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, यहाँ पर फ्रिस्किंग करके पूरी जांच करके उसके बाद अभ्यर्थियों को अंदर जाने दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अब जो समय है वो खत्म हो चुका है, अभ्यर्थी जो है अगर आएंगे भी तो शायद अंदर जाने की परमिशन ना मिले। एक अपडेट आशुतोष, प्रशासन ने नजर इस पे तो रखी ही कि किस तरीके की चीटिंग ना होने पाए, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन वर्क को भी बड़ी गहनता से चेक किया गया। कानपुर में कल एक अभी तो गिरफ्तार किया गया, उस पर 400 BC का मुकदमा ठोका गया, उसने एग्जाम दे दिया था, 5 साल अपनी उम्र कम दिखाकर डॉक्यूमेंट्स में फर्जीवाड़ा किया और मात्र पुलिस ने सिर्फ ऐसे पहचाना कि देखने में उसकी उम्र ज्यादा लग रही थी। तो इस तरीके की गहन जांच भी पुलिस द्वारा की जा रही है, बकायदा ऑब्जर्वेशन की जा रही है ताकि किसी तरीके की अनियमितताएं अगर कहीं भी दिखे तो पुलिस उसको पकड़े, किसी फर्जी वाला किसी तरीके का हो तो उसको पकड़े और साथ ही साथ ये मेक श्योर करे कि ना इसमें चीटिंग होने पाए और ना ही किसी तरीके की पेपर में अनियमितताएं होने पाए और किसी तरीके की कोताही बरती जाए। आशुतोष, तो गेट अभी क्या खुले हैं या बंद हो चुके हैं अभ्यर्थियों के लिए?
आशुतोष, मैं आपको बता दूं, ये जो मेन गेट है यहाँ पर जो फिलहाल है, जहां से एंट्री होती है, फिलहाल इसे खुला रखा गया है। अभी 2 सेकंड पहले ही एक महिला यहाँ पर आई, काफी लेट थी, उनको तो जाने दिया गया, लेकिन अब ये पुलिस द्वारा यहाँ पे बोल दिया गया है कि 9:30 का जो वक्त है वो जो है अब आखिरी वक्त है, इसके बाद हम किसी की भी एंट्री अलाउ नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं, जब पहला दिन था कल 8:30 बजे तक आखिरी एंट्री ली थी, क्योंकि पहला दिन था, जो पूरा सेटअप था उसको कहीं ना कहीं स्टैब्लिश करने में पुलिस को समय लगा। आज जो है, क्योंकि एक पूरा सिस्टम इन प्लेस हो चुका है, तो 1 घंटे का समय और दिया गया है। कल जो एंट्री 8:30 तक बंद हो रही थी, आज वो 9:30 तक कर दी गई है। पीछे अगर आप मेरे देखेंगे तो कई लोग, कतार लंबी लगी हुई है उन अभिभावकों की, उन अभ्यर्थियों की, जिन्हें दूसरी पाली में पेपर देना है, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी भी ये बात अभी से आ चुके हैं सुनिश्चित करने के लिए कि परीक्षा छूटे ना। ठीक है सिमर, नजर बनाकर रखिएगा, आपके पास हम आते रहेंगे दोबारा अपडेट के लिए। संतोष शर्मा लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संतोष, जल्दी से थोड़ी और तस्वीरें दिखा दीजिए और जानकारी पहुंचा दीजिए। देखिए बिल्कुल, ये परीक्षा खत्म, शुरुआत होने का बिल्कुल 9:30 बज चुके हैं और मेन गेट है वो बंद हो चुका है और दूसरा गेट भी बंद होने जा रहा है। अनाउंसमेंट करके जो भी परीक्षार्थी हैं उनको सीधे बुला लिया गया है और अब ये गेट बंद हो जाएगा और उसके बाद किसी का भी प्रवेश, मात्र 1 मिनट, ये देखिए घड़ी देख करके अनाउंसमेंट हो रहा है कि 1 मिनट और है, 1 मिनट के अंदर ये गेट बंद हो जाएगा और 1 मिनट के बाद किसी का भी प्रवेश अंदर अलाउड नहीं होगा। तो ये पुलिस की मुस्तैदी है, पुलिस एक एक मिनट, जिस तरीके से परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, उस एक एक मिनट का हिसाब रख रही है कि जो भी बच्चे हैं वो जल्दी से यहाँ पहुंच जाएं और उसके बाद किसी का भी प्रवेश नहीं होगा। आधा घंटे पहले ये गेट बंद कर दिया जाएगा, जो नियम बनाए गए हैं। जी चलिए संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। सिमर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।